हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कैम प्रोफाइल की। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपकी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के लिए, जिसके अंदर मैंने आपकी कैम प्रोफाइल जो बनाई थी उसके अंदर वो मैंने जो ड्रॉ किया था वो आपके नाइफेज फॉलोवर के लिए बनाई थी। पर मैंने आज उसी प्रॉब्लम को दोबारा लिया है और उसके अंदर एक ऑफसेट वाला केस होता है कि ऑफसेट आपके कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको समझाना है इस वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बताया है कि जो आपकी प्रोफाइल है कैम की, वो आपकी 20 mm ऑफसेट है फ्रॉम दी कैम शाफ्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक 50 mm का आपका एक रेडियस का सर्किल बनाया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपका बेस सर्किल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि उन्होंने बोला है कि अब इससे आपका 20 mm ऑफसेट, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आई बटन में जाके देख सकते हैं, मैंने जस्ट इससे ही पहले ही आपकी रिसेंटली अपलोड की है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 20 mm की रेडियस वाला एक सर्किल बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले यहाँ से एक एक्सेस ली थी, तो मैंने बोला कि मेरा जो फॉलोवर है वो इस जगह पे है। कहाँ पे है आपका, इस जगह पे ही जा रहा है, क्योंकि उसकी जो एक्सिस है वो यहाँ पे आने की है कि वो आपको 20 mm ऑफसेट है इस जगह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि वो ऑफसेट है 20 mm, फिर इस जगह से आपके एंगल्स बनना स्टार्ट होंगे। जैसे पहला था 60, फिर 90, फिर 60, फिर 210, तो वो इस जगह से आपका ऑफसेट होके चलेगा। तो ऐसे आपको कुछ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो ऐसा मैं कुछ करूंगा इस प्रोफाइल के अंदर। तो आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था आपका, कि एक आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया था पूरा का पूरा, जिससे मेरे को डिस्टेंसेस चाहिए थी, और एक प्रोफाइल बनाई थी जो कि आपकी थी विदाउट ऑफसेट वाली। अब मेरे को ऑफसेट वाली प्रोफाइल बनानी है, तो कैसे बनेंगे देखते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से रख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को चाहिए था उसके अंदर आपका 5 cm, मतलब कि 50 mm का एक सर्किल, तो वो मैं बना लेता हूँ आपका इस जगह पे। पेपर के बैक साइड पर ले लेता हूँ, बड़ा भी है और साफ भी दिखेगा। एक्चुअली क्या ये जो टेबल है ना वो बहुत ज्यादा स्लिपरी है, उसकी वजह से जो मेरा सेंटर है वो डिसलोकेट हो गया और उसकी वजह से मैं सर्किल नहीं बना पा रहा। ठीक है गाइज, मैं जो स्लिप हुआ है वो वाला पार्ट वो वहाँ से वो कट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने सर्किल बना लिया आपका 5 cm का। अब उसने बोला कि आपको ऑफसेट करना कितना, 20 mm, मतलब कि 2 cm। ये देखिए अभी मैंने 2 cm का एक और सर्किल बनाया। क्या बनाया, एक और सर्किल। ये मैंने सर्किल बना लिया, ये मेरा सेंटर है। पहले मैंने आपको याद होगा कि एक्सेस मैंने इस जगह से ली थी, इस जगह से ऐसे करके स्ट्रेट वन, पर फिर उसकी वजह से क्या था कि मेरा जो फॉलोवर था स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, पर उन्होंने बोला कि अब जो मेरा फॉलोवर है वो कितना है, 20 mm आपका ऑफसेट होता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लाइन तो खींच लेता हूँ यहाँ पे एक हल्की सी, जिससे कि ये पता पड़े कि वो कहाँ तक जा रही है। ये देख लीजिए मैंने एक हल्की सी लाइन खींच ली, ठीक है। अब इस लाइन से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट खींचना है ऊपर तक कुछ इस तरीके से। अब ये जो चीज दिखा रहा है ना, देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो आपका फॉलोवर होगा वो आपका यहाँ पे नाइफ एज फॉलोवर इस तरीके से शो कर रहा होगा, उसकी एज इस जगह पे आ रही होगी, तो वो आपका इस एक्सिस से 20 mm अपार्ट हो गया, ऑफसेट हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस वाली लाइन को आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है, इसको इस तरीके से, ठीक है, ये मिला ली। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो पहले एंगल बनाए थे ना, जैसे पहला एंगल क्या था 60 डिग्री वाला, तो वो आपको 60 डिग्री वाला एंगल बनाना है यहाँ पे। तो ये मैंने रखा इसके ऊपर, ये आ गया, घुमा लेता हूँ, ठीक है। पहला था 60, फिर था आपका 90,
और फिर उसके बाद फिर से 60 था तो वो आ गया आपका 150। अब मैं यहाँ पे इसके हाथ के हाथ पार्ट्स भी कर लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। फिर था आपका 100, 110, 120, 130, 140। लास्ट वाली वीडियो नहीं देखेगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा पिछली वीडियो से फास्ट चल रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने वो वाली वीडियो मेरी देखी हुई है। अब यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज़ें मेरी निकल के आ गई, तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, अगर वैसे मैं देखता तो इसको मेरे को यहाँ से मिलाना होता, कहाँ से मिलाना होता, इस जगह से। तो आपको मिलाना तो यहीं से है पहले, पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा क्या चेंज होगा। इस जगह से आपको कि दिखे नहीं, मतलब बस एक आइडिया हो, फिर मैं इसको रफ करूंगा लास्ट में इस तरीके से, ऑफसेट वाला केस है, कैमरे में दिख रहा है ये। ठीक है गाइस, इसके बाद ये सिमिलरली आपको यहां पे भी करना होगा। ये सिर्फ मेरे को यहाँ पे एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, फिर इन लाइन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफसेट वाला केस है। लास्ट वाला केस होता तो पूरा डायग्राम ही खत्म हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने पहले डिस्टेंसेस बनाई थी, मैंने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लिया था, उससे यहाँ पे आपको सारी डिस्टेंसेस मेंटेन करनी है, बस डिस्टेंस मेंटेन करनी है। जैसे ये आपकी पहली वाली लिख देता हूँ मैं, आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-5-4-3-2-1 और एक बार की लास्ट वाली, दिस इज ओ डैश एक्स। देखिए अभी जो मैंने फर्स्ट ली, फर्स्ट कार्ड, इसके सेकंड वाली, आपकी थर्ड, फिर आपकी फोर्थ, फिर आपकी फिफ्थ, देन लास्ट वन ये, और ये आपकी सेम होती है इस जगह पे, पहले भी बताया था कि 4 सेंटीमीटर है, इसके निकाल देता हूँ। फिर आगे चलते हैं, फिर आपके प्रोफाइल, तो मेरे पास डिस्टेंसेस निकल के आ गई है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है, प्रोफाइल तो मेरी इसी के ऊपर से बनेगी, पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं।
ये मैंने प्रोफाइल जनरेट कर ली और ये मिड वाले दोनों सेम थे तो यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। दिस इज 12 पोर्शन। अब क्या करना है आपको, क्योंकि ऑफसेट थी तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस पोजीशन से यहाँ से ये आपकी 20 mm ऑफसेट है, ठीक है। अब पर आपको जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, आपको ये वाले पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिलाने होंगे इस वाले पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट आते हुए। जैसे आपको दिख रहा है फर्स्ट वन पॉइंट इसका टेंजेंट आ रहा है, सेकेंड वन पॉइंट आपको इस तरीके से जैसे यहाँ से दिख रहा है कि इसका टेंजेंट किस तरीके से आएगा, इसके जो सर्किल है उसको टच करते हुए। जैसे कि फर्स्ट वन पॉइंट इस तरीके से, फिर आपका सेकेंड वन पॉइंट देखिए इस सर्कल को टच करते हुए, है ना, पेरीफेरी को, लाइक टेंजेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फिर आपका थर्ड वन पॉइंट देखिएगा, थर्ड वन पॉइंट सर्कल टच करते हुए लाइक इस तरीके से, फिर आपका फोर्थ वन पॉइंट ये, फिर आपका फिफ्थ वन पॉइंट ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ये इस जगह से ऑफसेट है 20 डिग्री, लास्ट सिक्स वन पॉइंट ये आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। फिर देन आपको सेकंड का लेना है इस वाले पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से लेना है कि आपका टच करते हुए जाए, जैसे यहां से एंड नेक्स्ट लाइक टेंजेंट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट। हाँ, तो आपने जो देखी है प्रोफाइल, वो जो मेरी प्रोफाइल है वो ये वाली है, डार्क कर रहा हूं मैं उसको पूरा, और ये जो प्रोफाइल बनी आपकी ये ऑफसेट वाली प्रोफाइल है, 20 mm ऑफसेट फॉर द शाफ्ट ऑफ द कैम। तो आपको देखा कि यहाँ पे मैंने प्रोफाइल जनरेट किया किसके लिए, ऑफसेट के लिए, इज अ वेरी सिंपल। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चाहिए। ये मेरा है ऑफसेट सर्किल, ये हो गया मेरा ऑफसेट सर्किल हो गया, ये 20 mm की डिस्टेंस दी हुई थी, ये मेरा हो गया बेस सर्किल, और ये क्या होगी मेरी कैम प्रोफाइल। और ये मेरा क्या है, नाइफ एज फॉलोवर। तो गाइज आपने देखा कि मैंने दो प्रोफाइल जनरेट की और आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा साफ साफ कि ये तो सिंपल थी आपकी जब मैंने ऑफसेट कंडीशन नहीं ली, और ये जब की कंडीशन है जब मैंने ऑफसेट को कंसिडर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।